बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। बीपीएससी द्वारा चयनित तो दूसरे चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। जी हां, बता दें कि आज से अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक चलने वाली है। डीईओ अमित कुमार ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग तिथि और केंद्र तय किए गए हैं। अगर बात पटना की करें तो पटना में कुल 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें राजकीय शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय गर्दनीबाग और कमला नेहरू स्कूल गर्दनीबाग शामिल है। इधर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग 25 दिसंबर से शुरू हो गई है। पहले दिन प्रथम फेज के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। वहीं सोमवार को नाम मात्र के काउंसलिंग के लिए चयनित शिक्षक पहुंचे थे। हालांकि प्लान के अनुसार शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को पूरा तैयार रखा था। सूत्रों के मुताबिक फेज 1 में कक्षा 1 से 5 तक के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर अनौपचारिक तौर पर रोक लगा दी गई है। जिन्होंने NIOS से 18 माह के DLED का डिप्लोमा लिया है, इसमें सर्वाधिक प्रभावित अभ्यर्थी प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक होंगे। दरअसल इनके मामले में शिक्षा विभाग संबंधित प्राधिकार के मार्गदर्शन मांगने जा रहे हैं। मार्गदर्शन मिलने के बाद ही इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक जिन अभ्यर्थियों ने NIOS से 18 माह का DLED किया है, उनकी मान्यता को लेकर पहले से संशय बना हुआ है। यह देखते हुए ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से 18 महीने के DLED पाठ्यक्रम को 2 साल के डिप्लोमा में बरकरार नहीं माना है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे फेज में नव चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग आज से चालू हो गई है। प्रत्येक जिले ने अपने हिसाब से काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। काउंसलिंग के मद्देनजर अवकाश के दिन भी अनौपचारिक तौर पर विभाग खुला रहेगा। वहीं बताते चले कि इन सब के बीच फिलहाल विभाग ने व्यवस्था दी है कि काउंसलिंग के साथ उपस्थित होने वाले सफल अभ्यर्थी 2 सप्ताह की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की तैयारी के साथ आए। अनुशंसित अभ्यर्थियों को आधार कार्ड के साथ आना होगा, जो मोबाइल से जुड़ा होगा। ये भी व्यवस्था दी गई है कि पंचायती राज या फिर नगर निकायों से नियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी से अनुशंसित हैं, उनको 15 दिनों में अपनी नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र और विरमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित DEO को समर्पित भी करना होगा। अभ्यर्थियों को पैन कार्ड भी लाना होगा। वहीं इन सब के साथ बताते चलें कि अभ्यर्थियों को अपने बैंक अकाउंट नंबर, क्रॉस चेक आदि भी लाने होंगे। इन सब के बाद हम आपको ये भी बता दें कि बिहार में शिक्षकों की भर्ती हो रही है। बड़े पैमाने पर सरकार शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए आज दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है।